नमस्कार, मैं विनीता कोठारी आप सभी का बीए तृतीय वर्ष ग्रह विज्ञान की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम नायलॉन के धागे से वस्त्र निर्माण का अध्ययन करेंगे। नायलॉन के रेशे से तीन विधियों के द्वारा तीन प्रकार के धागों का निर्माण होता है। केवल नायलॉन का रेशा जो कि 100% नायलॉन का रेशा होता है, दूसरा नायलॉन के रेशों के साथ अन्य वर्ग के रेशों के साथ मिश्रण करके जैसे ऊन, कपास, रेशम, पॉलिएस्टर, एक्रिलॉन आदि को मिलाकर धागे का निर्माण किया जाता है, और तीसरा होता है नायलॉन के धागे का प्रलंबन अर्थात रीइंफोर्समेंट के रूप में प्रयोग करना। तीनों ही विधियों से प्राप्त धागों से बने वस्त्र में अपनी अपनी अलग विशेषताएं होती हैं और वे इस प्रकार है। पहला, 100% नायलॉन से बने वस्त्र। शुद्ध नायलॉन के धागे से निर्मित वस्त्र 100% नायलॉन के धागे उसमें यूज किया जाता है। सभी गुण इसमें जो नायलॉन के हैं वह इसमें परिलक्षित होते हैं। वजन में हल्के, मजबूत, सुंदर, टिकाऊ, रखरखाव बहुत आसान, धुलाई सफाई बहुत आसान रहती है, अत्यंत सरल होती है, इससे आवश्यकता नहीं पड़ती, स्त्री की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती, क्रश नहीं होते और न ही इनमें शिकन पड़ते हैं। इनके आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, अतः 100% नायलॉन के धागों से जैसे ब्लाउज, मोजे, टोपी, स्वेटर आदि बनाए जाते हैं। सेकेंड होता है सम्मिश्रण वस्त्र अर्थात ब्लेंडेड एंड कॉम्बिनेशंस। यूजुअली इस प्रकार के जो वस्त्र रेशों से बनाए जाते हैं जिन्हें नायलॉन के रेशों के साथ अन्य वर्ग के रेशों को का मिश्रण रॉ मटेरियल के रूप में किया जाता है। इससे नायलॉन के साथ साथ उस रेशे की भी विशेषता उस वस्त्र के अंतर्गत आ जाती है जो उस रेशे के अंदर मिलाया गया है। सम्मिश्रित वस्त्र भी तीन प्रकार से बनते हैं। पहला ब्लेंडेड फैब्रिक्स, इसमें छोटे तंदु के आकार स्टेपल फाइबर्स की रेशों से धागे बनाए जाते हैं। धागों की लंबाई, व्यास एवं रंगों में अंतर होता है। इन्हें बटकर पहले धागे निर्माण करते हैं, इन्हें ही ब्लेंडेड सूत या यान कहा जाता है। फिर इनसे वस्त्रों का निर्माण होता है। फिर मिक्सचर फाइबर्स, इस प्रकार के वस्त्र निर्माण विधि में ताना एक धागे का जैसे नायलॉन का और पाना दूसरे धागे जैसे ऊन का होता है। इस प्रकार निर्मित धागों से बने वस्त्र मिक्सचर फैब्रिक्स कहलाते हैं। तीसरा संयोजित या कॉम्बिनेशंस, इस प्रकार के धागे के निर्माण हेतु दो भिन्न भिन्न रेशों को अलग अलग बटकर धागे तैयार किए जाते हैं। अब इन तैयार धागों को एक साथ मिलाकर प्लाई के रूप में बनाया जाता है। इस प्रकार प्लाई से को वस्त्र संयोजित वर्ग के वस्त्र कहलाते हैं। ऐसे वस्त्र जिनमें कुछ प्रतिशत उल्लेखित होता है, ऐसे वस्त्र असाधारण वह आश्चर्यजनक रूप से काफ़ी मजबूत और टिकाऊ होते हैं। इसमें सम्मिश्रण जिस कॉम्बिनेशंस के तहत होता है वह है जैसे नायलॉन प्लस सूती रेशा, नायलॉन प्लस ऊनी रेशा, नायलॉन प्लस रेशम का रेशा या नायलॉन प्लस एसीटेट रेशा, नायलॉन प्लस रेयॉन, नायलॉन प्लस डिक्रॉन। सम्मिलित रेशे से बने वस्त्र की उपयोगिता और कार्यक्षमता भी अधिक होती है। वह अगर ऊन के साथ मिलाया जाता है तो वस्त्र की मजबूती के साथ साथ उसमें उष्णता के गुण भी आ जाते हैं। फिर इसी तरह से कपास के साथ मिलाते हैं तो उसमें अवशोषकता, शीतलता आदि, कोमलता आदि गुणों की वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार नायलॉन के वस्त्र को इच्छा अनुसार अन्य वर्ग के धागों के साथ मिश्रण कर हम उनके गुणों को अपने वस्त्र में समायोजित कर सकते हैं। प्रबलन के रूप में, प्रबलन का अर्थ होता है तैयार वस्त्र को मजबूती प्रदान करना।
के लिए उस स्थान पर विशेष जहाँ वस्त्र पहनने या घिस कर फटते हैं उस हिस्से पर नायलॉन का उपयोग कर उसे प्रबलन या मजबूती प्रदान करना या उत्पन्न करना। नायलॉन धागे से ऐसे ही वस्त्र बनाए जाते हैं जिसमें अधिकांश भाग में दूसरे वर्ग के रेशे उपस्थित होते हैं, परंतु कहीं कहीं पर रेशे ऐसे फटने की वाले होते हैं या वस्त्र घिस कर रगड़ कर खराब या फटते हैं। वहाँ पर नायलॉन का धागा लगाकर वस्त्र निर्माण किया जाता है, क्योंकि नायलॉन के धागे से मजबूती के साथ साथ उसका तनाव सामर्थ्य भी अद्भुत और निराला गुण विद्यमान रहता है। इस कारण वस्त्र की टिकाऊपन और कार्यक्षमता बढ़ जाती है। सूती वस्त्र धागे से बने मोजे में जैसे उंगली और एड़ी के भाग के अंदर नायलॉन के धागों का उपयोग, स्वेटर्स के अंदर जैसे कोहनी पर नायलॉन का उपयोग। इस प्रकार हम तीन प्रकार से नायलॉन के धागे से वस्त्र निर्माण करते हैं। धन्यवाद।